पाकिस्तान में पहली बार थैलीसीमिया में मुबतला 5 साल बच्ची की कामयाब लेप्रोस्कोपी। ईमान फातिमा थैलीसीमिया की बीमारी की वजह से खून के लाल खुलिए ना बनने के बायस तिली भड़ गई थी। तफसीलात जानेंगे बिलाल चौधरी से। बिलाल चौधरी, बताएगा इस कामयाब ऑपरेशन के हवाले से। ये ईमान फातिमा थी जो कि विहारी की रिहायशी थी और 5 साल इनकी उम्र थी, जो कि तिली की बीमारी में मुबतला थी और इनकी जो तिली थी वो बढ़ रही थी और खून के थैलीसीमिया जो बीमारी में मुबतला थी, जिसका आज शालामार हॉस्पिटल में डॉक्टर मुआजुल हसन ने ऑपरेट करके इनकी कामयाब सर्जरी की है। और इनकी जो तिली थी उनका वजन जो था 5 साल की बच्ची में 5 किलोग्राम तक पहुंच गया था, जिसको उन्होंने लैप्रोस्कोपी के जरिए सुराख करके कैबिनेट की मदद से जो है वो निकाला गया, जबकि इससे पहले पेट को चीर फाड़ के जो है वो निकाला जाता। तो ये पहली लैप्रोस्कोपी कामयाब सर्जरी जो है वो आज डॉक्टर मोहसिन हसन ने शालामार हॉस्पिटल में सर अंजाम दी है। जी शुक्रिया बिलाल चौधरी आपका।